नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, आप ही की फरमाइश से मैं लेके आया हूं ग्लैमर FI एक बार फिर से, और फ्रेंड्स वीडियो बनाने वाला हूं इसी के जो सेंसर्स हैं उनके बारे में कि क्या क्या सेंसर्स आपको FI इंजन के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, और FI क्या चीज़ होती है, और ग्लैमर को BS6 नॉर्म्स के साथ में क्यों गिना जा रहा है, और क्यों ये BS6 नॉर्म्स के साथ में आपको मिलती है। कई लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि कहीं ब्रोशर्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि ये BS6 है, तो आज जो भी डिटेल्स है फ्रेंड्स सारी आपको मैं इसी वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो इसी वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के पहले सेंसर के बारे में कि सबसे फर्स्ट सेंसर आपको क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहला सेंसर इस गाड़ी में आपको मिलता है एंकल सेंसर। जो सेंसर है फ्रेंड्स 0 to 60 degree अगर आपकी गाड़ी मूव करती है तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंसर तो आपको ये दिया जा रहा है, साथ ही में साइड स्टैंड सेंसर आपको मिल जाता है कि अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये दूसरा सेंसर आपको प्रोवाइड कराया गया है इसी गाड़ी के अंदर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में कि तीसरी चीज़ आपको हीरो ग्लैमर के अंदर क्या चीज़ दी जा रही है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया जा रहा है, जो मतलब कह सकते हैं कि हर FI गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, डिजिटल वे में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं माइलेज को लेके, और माइलेज फ्रिक्वेंटली किस तरीके से वर्क करेगा इस गाड़ी को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आप कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं गाड़ी के डिजिटल मीटर के बारे में कि डिजिटल मीटर में क्या चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एवरेज लिखा हुआ आ रहा है AV किलोमीटर पर लीटर। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको दिया जाता है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो माइलेज आपको गाड़ी से मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ कॉमन आती है, अगर कोई भी FI गाड़ी आप लेते हैं उसके अंदर आपको डिजिटल मीटर में एवरेज का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही में जो इसका आप ये फ्यूल मीटर देख रहे हैं ये 3 सेगमेंट में आपको दिया जाता है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें ये जो 3 सेगमेंट है उसी से डिवाइड होकर आपको रियल टाइम माइलेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको सिस्टम दिया गया है जो कि इसका माइलेज बेस्ड है। साथ ही में फ्रेंड्स आप एक लाइट देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो लाइट है ये इसकी माल फंक्शनिंग लाइट है। अगर आपके FI सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो ये लाइट कंटिन्यूसली वर्क जल जाएगी, जैसे कि अभी ये जल कर बंद हो रही है। अगर ये कंटिन्यूसली जलती है तो आपके प्रोग्राम्ड FI फंक्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स आप वो चीज़ आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर पर जाकर सही करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सुविधा आपको FI गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस गाड़ी के इस FI इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि पहले जो FI इंजन जो आते थे उसी की तरह आपको ये इंजन मिलता है, पर फ्रेंड्स इसका जो क्रैंकशन कनेक्टेड है वो इंजन के स्ट्रोक से है, और जो स्ट्रोक्स के साथ में आपका डायवर्शनल वर्क जो है बोर एंड स्ट्रोक्स का, उसका फ्रेंड्स वर्चुअली काम होने के चक्कर में इस गाड़ी का पोल्यूशन कम होता है, और ये जो चीज़ है वो BS6 में काउंट होती है, जिस वजह से कह सकते हैं कि ये गाड़ी BS6 को फॉलो करती है। साथ ही में फ्रेंड्स आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं इसके माइलेज की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स 5000 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को 40 की रफ्तार से ऊपर ना लेकर जाएं, आप खुद इसका माइलेज अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, और मैं एक्सपेक्ट मानता हूं इसका माइलेज 55 से 60 तक का माइलेज आपको ये गाड़ी दे देगी, एज़ कम्पेयर 125 cc होने के बाद भी। पर फ्रेंड्स अगर आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं या फिर आप डिपेंड करता है ऐसे तो माइलेज आपकी ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर, लेकिन फ्रेंड्स जो कस्टमर्स हैं मेरे पास में कस्टमर्स के कई रिव्यूज़ आते हैं, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स मेरे लिए तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि 55 से 60 का माइलेज तो मिल ही जाता है इस गाड़ी से, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस इंजन का एक डिसएडवांटेज फ्रेंड ये है कि अगर आप ये गाड़ी लेते हैं तो आपको 2 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना ज़रूरी है, जिससे इस गाड़ी का जो FI सिस्टम है वो सही से काम करे। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स इसमें ये आती है कि इसमें आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता है, इसमें आपको फ्यूल फिल्टर दिया जा रहा है, और उसी से फ्यूल फिल्टर होके डायरेक्टली इंजन के अंदर जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, और जो फ्यूल फिल्टर का वर्क होता है ऐसे वो कार में होता है, पर अब आपको बाइकों में भी देखने मिल जाएगा जो कि FI गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर, और फ्रेंड्स फ्यूल फिल्टर होके आ रहा है, जिस वजह से भी आपका
पोल्यूशन कम होने के चांसेस हैं। पहले क्या होता था, कार्बोरेटर में कचरा होता था, इस वजह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता था। तो ये पोल्यूशन के नॉर्म्स के मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है गाड़ी, और इस वजह से मार्केट मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा है इसका। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, कई लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि FI सब लोग करते हैं, FI की फुल फॉर्म क्या है? तो FI की फुल फॉर्म फुल फ्यूल इंजेक्टर है, जो इसकी फुल फॉर्म है वो आपको ये मिलती है। साथ ही में इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है जिसको कहा जाता है PGM FI, जो कि ये पूरा जो है आप देख रहे हैं इंजन का पूरा वर्क, इसको बोला जाता है प्रोग्राम्ड FI, PGM FI की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ये। साथ ही में जो वर्क है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। इंजन की अगर साउंड की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको कम देखने को मिलेगा, इंजन की जो हीटिंग है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और अगर आप FI गाड़ी लेते हैं तो एज कंपैरिजन कार्बोरेटर इंजन जो इस ग्लैमर में आता है उससे आपको पावर FI की ज़्यादा मिलेगी। तो ये सुविधा आपको FI लेने पर है, और माइलेज में भी आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट हैं इस गाड़ी को लेके जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो आपका फीडबैक भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही में जो नए लोग हैं जो इस गाड़ी को लेना चाहते हैं और प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी सिटी का नेम, पिन कोड, स्टेट का नेम आप प्रोवाइड कर दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर आपको पूरा प्राइस वहीं पर दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी, जिस वजह से मैं आपका प्राइस, आपकी सिटी का प्राइस मैं आपको बता सकूं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ये चीज़ें रहेंगी। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, कई बार कोई लोग पिन कोड दे देते हैं, कई बार स्टेट नेम दे देते हैं, कई बार सिटी नेम दे देते हैं, तीनों चीज़ें फ्रेंड्स चाहिएंगी, जिस वजह से मैं आपका प्राइस बता पाऊँगा। नहीं तो फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि तीनों चीज़ें अलग अलग आती है तो नहीं पता पड़ता है प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्रोवाइड करें, तो तीनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करें कमेंट बॉक्स के अंदर, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम खम्मा गणी।